प्रत्येक वर्ष संत कबीर दास जी के सम्मान में कबीर दास जयंती मनाई जाती है। संत कबीर दास जी भारत के बहुत प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे। कबीर दास जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष कबीर दास जयंती 24 जून 2021 को मनाई जाएगी। कबीर दास जी के जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सदगुरु कबीर साहिब का आविर्भाव संवत 1456 सदी 1398 को ज्येष्ठ पूर्णिमा को सोमवार के दिन हुआ। इसी दिन काशी के जुलाहे नीरू अपनी नव विवाहित पत्नी नीमा का गौना करा के अपने घर लौट रहे थे। लहर तारा सरोवर के निकट से गुजरते समय नीमा को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने कमल दल के गुच्छ पर एक नवजात शिशु को देखा, जो आगे चलकर सदगुरु कबीर हुए। यह स्थान कबीर जी का प्राकट्य स्थल है, जिसके दर्शनों के लिए हर धर्म के लोग देश विदेश से आते हैं। लहर तारा का यह मंदिर मूल गादी कबीर साहिब की कर्मभूमि है। कबीर दास जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने अपना सारा ज्ञान देशाटन और साधु सत्संग से ही प्राप्त किया। संत कबीर जी ने अपने पूरे जीवन काल में पाखंड, अंधविश्वास और व्यक्ति पूजा का विरोध करते हुए अपनी अमृतवाणी से लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने केवल भ्रम को ही माना। उन्होंने अपनी कृतियों में हरि, राम आदि शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो भ्रम के ही नाम थे। संत कबीर दास जी के कार्यों की पहचान उनके दो पंक्तियों के दोहे हैं, जिन्हें कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है। गुरु कबीर ऐसे संत के रूप में पहचाने जाते हैं जिन्होंने हर धर्म, हर वर्ग, सभी के लिए अनमोल सीख दी है। कबीर दास जी की भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों का समावेश होता था, लेकिन उनके दोहों में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता साफ झलकती है। आज भी कबीर की वाणी अमृत के समान है, जो व्यक्तियों को नया जीवन देने का काम कर रही है। कबीर दास जी ने अपने पूरे जीवन काल में लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता कायम करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी अमृत वाणी से ही नहीं बल्कि स्वयं का उदाहरण पेश करते हुए लोगों के भ्रम को तोड़ने की कोशिश की थी। कबीर जी की वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके तीन मुख्य भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर दास जी ने स्वर्ग और नर्क को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। अपना पूरा जीवन काशी में बिताने वाले संत कबीर दास जी ने अपने अंतिम समय के लिए एक ऐसे स्थान को चुना जिसे उन दिनों अंधविश्वास कायम था कि वहां पर मरने से व्यक्ति नर्क में जाता है। कबीर दास जी ने लोगों को इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास मगहर चले गए और उन्होंने वहीं पर अपना देह त्यागा। कबीर दास जी का जब मगहर में देहावासन हो गया तो उनके हिंदू और मुस्लिम भक्तों में उनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। कहते हैं कि उस समय जब उनके मृत शरीर से चादर हटाई गई तो वहां पर लोगों को सिर्फ फूलों का ढेर मिला, जिसके बाद आधे फूल से हिंदुओं ने और आधे फूल से मुस्लिमों ने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया।